हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के कर्मचारियों को आज कोरोना के खिलाफ जागरूक रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सभी से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 नवंबर से शुरू होने वाली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सभी विधायकों और कर्मचारियों से कोरोना टेस्ट करवाकर आने को कहा गया है। पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने पूरे देश को अपनी जकड़ में ले रखा है और जिसके कारण बहुत सारे हमारे भारतवासी और पूरे विश्व के अंदर लगभग 11 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। सार्वजनिक स्थलों के ऊपर मास्क पहन करके निकलें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, हर रोज हमेशा बार बार अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं और जो सैनिटाइजेशन है बार बार सैनिटाइजेशन करते हुए हम इस बीमारी को रोकने में सफल होंगे। हम सबको इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। आज इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को ये कोरोना को भगाने के लिए जो नियम पालन करने की आज शपथ दिलाई गई है। आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर जो 5 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, हमने सभी अपने अधिकारियों को कर्मचारियों को ये हिदायतें दी हैं और सभी विधायकों को भी हमने कहा है कि वो कोविड का ख्याल रखते हुए सभी जो आवश्यक नियम हैं उनका पालन करें और अपना वो एंटीजन टेस्ट करा करके भी आएं ताकि इस कोरोना के ऊपर संक्रमण के ऊपर रोक